हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन क्लास 10th की मैथ से एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। चैप्टर नेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ 1,2, 4,y, x,6 एंड 3,5 आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर पैरेललोग्राम बोला है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसके जो हमें वर्टेक्स दिए गए हैं, जब इसको मीट कराएंगे, ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ए बी सी डी। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 1,2 है, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो 4,y है, सी के जो कोऑर्डिनेट है वो x,6 है, डी के जो कोऑर्डिनेट है वो 3,5 है। तो देखो, जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर एक डायगोनल AC बन रहा है और एक डायगोनल BD बन रहा है, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है एक दूसरे को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जैसे अभी जब ये AC BD को बाइसेक्ट करेगा, तो ये वाली डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो मिड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट थ्योरम होता है उसको अप्लाई करके कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। ऐसे इसमें भी होगा, ये वाला बराबर हो जाएगा, तो इसमें भी मिड पॉइंट लग जाएगा। तो चलिए फिर लगाते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर देन यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ऑन डायगोनल AC वी हैव। तो जब हम डायगोनल AC पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो। यहाँ पर जो मिड पॉइंट थ्योरम होता है कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का, वो होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, ओके। तो यहाँ पर देखो इसका क्या होगा, x1 जो है वो हमारे पास है ये 1 + x बाई टू, कॉमा ये है 2 + 6 बाई। तो यहाँ जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा वो देख लीजिए। देखो यहाँ पर मिलेगा 1 + x ऐसे ही रहेगा, बाई टू कॉमा ये हो जाएगा 2 + 6 8, 8 / 2। और जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 4। एक तो हमें जब AC पर सॉल्व किया तो ये मिल गया 1 + x / 2, 4। इसी प्रकार से एक बार हम BD पे सॉल्व करेंगे, अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम ऑन डायगोनल BD, वी हैव। तो देखो डायगोनल BD पे जब अप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या मिलेंगे, यहां भी मिलेगा x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो इसके जब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 + 3/2, y + 5/2। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, ये ऐसे ही रहेगा, y + 5/2। अब देखो हमें करना क्या है, हमें कंपेयर करना है किसका किससे। देखो एक हमारे पास ये आया है AC वाले लाइन का कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट है या y कोऑर्डिनेट है। ये हमारे पास आया है BD वाला कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है या हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। तो बाइसेक्ट होने की वजह से जो कोऑर्डिनेट आएंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल हो जाएगा। इक्वल करने पर हम आराम से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे फाइंड करता हूँ। ऑन कंपेयरिंग हाफ कोऑर्डिनेट ऑफ AC एंड BD वी हैव
तो यहाँ पर मैंने इसे मिटाया नहीं, देखो ये वाला एक्स इस वाले एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, तो 1 + x/2 = 7/2। अब यहाँ पे करना क्या होगा, देखो इसको उधर भेजना होगा तो ये हो जाएगा 1 + x 7/2, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे बचेगा हमारे पास 1 + x = 7, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये 1 प्लस में है, इसको उस साइड में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। इसी प्रकार से वाई का कोऑर्डिनेट देखो, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 = y + 5/2। 2 इधर आएगा तो 4 × 2 हो जाएगा y + 5, तो 4 × 2 = 8, 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा = y, तो y = कितना हो जाएगा, 8 - 5 = 3। तो आपने देखा कोऑर्डिनेट क्या बन गया, x = 6 और y = 3। दस द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर 6 और 3 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स। आप चाहें तो इसको राइट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, वीडियो को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।